और आज यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सुला वॉन चीन दौरे पर हैं, जहां पर चीन दौरे से पहले यूरोपियन यूनियन चीफ ज़ेलेंस्की से उन्होंने बात की है। जिनपिंग से बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा अहम है, यूरोपियन यूनियन के चीफ की तरफ से यह दावा किया गया है। यूक्रेन युद्ध का आगाज भले ही दो देशों के बीच हुआ, लेकिन अब इसमें सारी दुनिया की भूमिका पूरी तरह से साफ हो चुकी है। यही वजह है कि ईयू चीफ उर्सुला वॉन डेर ने बताया कि चीन दौरे से पहले उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत की। बता दें कि हाल में मॉस्को के साथ दिख रहे चाइनीज प्रेसिडेंट सी ने रूस का दौरा किया, जिससे उनका स्टैंड क्लियर हुआ। हालांकि बीजिंग का दावा मध्यस्थता का भले ही करता हो, लेकिन चालबाज चीन की चालबाजियों से विश्व वाकिफ है। ऐसे में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष का दौरा बेहद मायने रखता है। उर्सुला ने दो टूक कहा है कि विजिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति से बातचीत में यूक्रेन अहम मुद्दा रखेगा। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि यूरोपीय यूनियन का मकसद यूक्रेन की स्वतंत्रता और शांति है। यानी साफ है, आने वाले दिनों में यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया के संबंधों पर भी पड़ेगा।